ओके ढिंडोरा एपिसोड 1। कुछ भाषाएं ऐसी मानो जुबान में मिश्री घुली हो। ओए बहन के लौंडे, कुछ वाइब्रेट हो रहा है ना। मैंने तुम्हें मना किया था ना, निकालो। हेलो एंड वेलकम टू नीति एंड रमन शो। आज हमारे अंदर अलग सी एनर्जी है क्योंकि आज संडे है और आज दारू नहीं, आज रिएक्शन करने का दिन है। आज रिएक्शन करने का दिन हमने बनाया है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज का वीडियो है, ये वाला वीडियो, ये जो आप देख रहे हो अभी, ये हमारे चैनल पे 200th वीडियो है। सो वी आर सुपर सुपर एक्साइटेड। स्लो क्लैप्स मतलब मीम डाल देना। अच्छा मैं तो मेरे दिमाग में एडिटिंग भी शुरू हो गया आपसे बात करते करते। तो खैर आया कब है? रुको रुको, आया कब है? 14 अक्टूबर, आज है 17 अक्टूबर। चक्के जाम नहीं हुए, कोई बाढ़ नहीं आई, कोई भवंडर नहीं आया, कोई रास्ते रुके नहीं है, कोई छाती फूट जरूर गई होगी, समझ आया? ओ ओ पागल है वो तो। ओके फर्स्ट थिंग यार, बिफोर द रिएक्शन स्टार्ट्स, मेरे को अभी अभी ये देख के थॉट आया, आफ्टर बून बॉम्स पेरेंट्स पास्ड अवे, वेरी सैड न्यूज़। उसके बाद ये पहली वीडियो है और ये अभी रिसेंटली हुआ है और आई वॉन्ट टू यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल से कूडोज टू हिम, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होता है क्रिएटर के लिए क्रिएट कर पाना हमारी शक्लें। अगर आप कुछ टाइम से ब्लॉग्स में कोविड के टाइम में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ख़राब शक्लें हैं, बोला भी नहीं जा रहा हमसे, और उसका एक रीज़न ये है कि हर डैड पास्ड अवे इन जनवरी। सो सॉरी मैंने मूड ऐसा कर दिया, बट मेरे को ये देख के याद आ गया। चलो ओके ओए होना नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब इट इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन टू एनीवन, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जैसे लोग बोलते हैं कि ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ कभी ठीक नहीं होता, बट इट कैन ओनली गेट अ लिटिल बेटर। सॉरी मैंने तेरा मेकअप खराब कर दिया आज, काफी टाइट मेकअप किया तूने। दैट्स ओके, ठीक है। ओके 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 चलो स्टार्ट। ही वाज एबल टू डू समथिंग अमेजिंग, सो लेट्स वॉच इट नाउ। 130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला हमारा देश, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बसते हैं, हर घर में ख्वाब बुने जाते हैं, जीने के अलग तरीके चुने जाते हैं। यहां प्यार है, तकरार है, लेकिन आपस में मिलजुल कर रहना बरकरार है। कुछ भाषाएं ऐसी मानो जुबां में मिश्री खुली हो। एक ऐसा ही शहर जहां का स्वभाव और जुबान जैसे गुड़ के पकौड़े। ओए बहन के लौंडे, मुझे लगा ही था कि ये दिल्ली की बात कर रहा होगा। ये बोलते हैं कि मैं गाली देता हूँ। पापा मैं सीधा डिनर पे आऊंगा। एक टिंडे बना रखे तेरी माँ ने, छोड़ो फिर कल ही आता हूँ। क्या करके रखा है? टिंडे बना रखे तेरी माँ ने, वो कह रहा फिर मैं कल ही आऊंगा। सही घर में गई आउट आज तक सच्चा प्यार नहीं हुआ ना? प्यार बवासीर की तरह होता है, अंदर कुछ नहीं, सीधे लेदर जैकेट होता है, लेकिन दर्द बहुत देता है। कुछ वाइब्रेट हो रहा है ना? मैंने तुम्हें मना किया था ना, निकालो निकालो। तुम्हारा फोन बज रहा है। ओ हेलो, क्या कुछ घंटे पहले? नाइस। उस मासूम को भनक तक नहीं थी, ये सारी सारी रात जगाता है, यही हंसाता है, यही रुलाता है। दिल तो पागल है वो लोग जो कैफे में जाके महंगी वाली कॉफी पी रहे। ये है घरेलू तरीका मम्मी कोल्ड कॉफी बनाने का। मैकडोनाल्ड वाले हमसे ही तो सीख के गए, एफकेसी वाले क्रशर के नाम में बर्फ चढ़वाते हैं। केएफसी बोल रहा था वो। ये बहुत लेट हो गया यार। केएफसी क्रशर की बात कर रहा है।
खाने के बारे में मुझसे पूछो। प्यारी की तकी उठे। अब हम बनाएंगे सुशी। ओके। ये जब। यहाँ से पता लगता है कि कैरेक्टर कितना रियल है। जैसे ही वो अंकल जी ने बिंदी ये बोल रहे कह रही यहाँ ये कितने क्यूट हैं। इज्जत देख रहे हो। जापान की सबसे पसंदीदा फीकी चीजों में से एक है। दिखने में टिश्यू पेपर जैसा और स्वाद में गीले टिश्यू पेपर जैसा। इसमें चीज, पाइनएप्पल, अवोकाडो बिल्कुल बेकार लगता है मुझे। अरे लेट हो गया, नाश्ता लगा दो। जल्दी बना रहा ना। ओए, तेरे को कॉलेज नहीं जाना? अभी टाइम है। बेटा पहले मैं भी यही कहता था, फिर एक दिन अचानक स्कूल से कॉलेज आ गया और फिर तू आ गया। वो अखबार दे सर। झाड़ू पकड़ा दिया। ओहो क्या कर रहे हो बाबा, तांत्रिक हो गया? मेरे सारे बाल खराब कर दिया आपने। तू कॉलेज पढ़ने जाता है या फैशन करने जाता है? बच्चे फिदा है इन बालों पे। बहुत कंप्लेंट आ रही है तेरी कॉलेज से। टीचर बोल रहे हैं ये कौन लड़की है जो बॉयज टॉयलेट में खड़ी होके हल्के हो रही है। अरे वाह, पोहा इसका फेवरेट। आंटी बड़ी प्यारी है यार उसकी मम्मी। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? शादी। सब देख रहे हैं अपने अपने वो उसको। अब दोनों हमें की नहीं प्रमोशन की जरूरत है। क्या बोला? क्या बोला? ठंड रखो, ये मेरे दफ्तर की बातें ना करे तो बेहतर होगा। पहले अपने गिरेबान में झांक ले, उसने टी शर्ट पहनी है। बड़ा आया हीरो बनने, जीरो है जीरो। ठंड रखो ना। जिस दिन मैं बड़ा सिंगर बन गया ना, सिर्फ ऑमलेट खाऊंगा, ऑमलेट। अरे मनोज तिवारी है क्या? आप ठंड रखो। बर्फ चबा लूं? बोलो चबा लूं। यार शर्मा जी, कब से बेंच लगवाने को कहा है नगर निगम पार्षद साहब को, हमारे तो कोई सुनता ही नहीं। अपना बचपन याद है ना, कैसे खेला कूदा करते थे। टिपिकल वही है यार, वही वाले स्वेटर, वही वाले मफलर। मोबाइल भी लगे रहते हैं। शर्मा जी, अब पार्क में झूले नहीं लगेंगे तो लड़के खेलेंगे कहाँ? आपके झूले पे। बेंचें लगवानी है इनको, पैसे मांगने तो मेरे घर ही आ जाएंगे। अरे बाप रे, बस का इंतजार किया तो लेट हो जाऊंगा, रिक्शा पकड़ लेता हूँ। अरे रिक्शा, रिक्शा दरियागंज जाएगा क्या? नाले को आ जाऊंगा। क्यों भाई, काम करने निकला, सैर करने निकला है? पीछे बैठ जा, मैं चला लेता हूं। अबे इसको जाना है। ये तो दिल्ली वाले रिक्शे वालों का हाल ही था। ओ पकड़ो गया। चल ले यार, आधे आधे कर लियो। अबे बेटा है, पहचाना नहीं क्या अंकल? पहचान लिया। क्या तरह चल ले आधे आधे कर लियो, रिलेशनशिप ऐसा ना वहां बेटे का। मुझे लगा ये लग रहा चुलबाज। जानते हैं एक दूसरे को? नहीं। यूं शक्ल सेम लग रही थी और जान पहचान भी लग रही है। मेरी माँ का पति है, तू आगे देख के चलना। मेरी माँ का पति मेरे पापा लगते। बेटा किस टाइप की सिंगरिंग करता है तू? सिंगरिंग ब्लूज, अकोस्टिक, सेमी क्लासिकल। बेटा इस टाइप की सिंगरिंग में ना सिर्फ दुआएं मिलती हैं, दौलत नहीं मिलती। वो कराकर वो आजकल बड़ा फैशन में चल रहा है रैप, क्या बनाते हैं। भैया मैं भी लिखता हूँ रैप। अच्छा, तू रस्ते पे ध्यान देना यार। नहीं नहीं बेटा, अगर हुनर है तो प्रोत्साहन बिल्कुल देना चाहिए। सिंगरिंग वाले शो में जाएंगे ना? सिंगरिंग कर रहे हैं ना? दुखद स्टोरी भी है, खुद रिक्शा चलाते हैं। नेहा जी पक्का रो देगी। तो सुनाओ कुछ। राशिद, इरशाद, राशिद, राशिद पे अंगूर, अंगूर पे लंगूर, लंगूर की गाल लाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है। भैया कोरा पता नहीं बैंक का लौड़ा, जाने किसकी चाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है। जीवी 64 ओ हाथ पकड़। राइट से लो पापा, मैं लेट हो जाऊंगा। चले हुए तो मैं भी लेट हूँ बेटा, राइट से लो। अरे मेरा गार्ड मुझे अंदर घुसने नहीं देगा पापा। लेफ्ट ले हुए, राइट से लो यार। लेफ्ट ले रहा कि नहीं बेटा? धमकी रोक देगा भाई। राइट से लेना। हां हां लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, राइट, अरे क्या हो गया? क्या
अच्छा दूसरा लेके भाग रहे हैं भाई साहब। चल यार, अरे यही को चलेगा। ओ शिट, अरे ये क्या लॉजिक हुआ? सीखा कभी आप क्यों बैठे रिक्शा में? कह रहा सीखा कभी। पहले उनका गाना तो सुन लो, फिर उनके गाने पे गलत कमेंट करना। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई। भाई अब देखें कितना अच्छा सिंगर है, जिससे इनकी गान फट जाए। क्या गान के नीचे बम रख दूं? ओह शिट। क्या हुआ? मेरी तरह की सिंगिंग है। बाप ने निकाली है यार। अबलू जी, अबलू जी, लगता है आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। एक्सप्रेशन देख बंदे का। क्या हुआ? बॉस ने आपको बुलाया है। हैं? क्यों? पता नहीं, लेकिन खुश लग रहे हैं। अच्छा, सैलरी बढ़ाएंगे क्या? मुझे क्या पता, लेकिन मेरे सामने दो लोगों को रेनुमरेशन दिया है। क्या रेनुमरेशन? अरे बबलू जी, सैलरी सैलरी। अरे वाह, किसकी? ओबराय साहब और मलिक साहब की। अच्छा, वैसे उनको जरूरत है नहीं है? ओबरा और मलिक तो अमीरों के ही नाम होते नहीं? अरे सिंघानिया इधर आइयो। सिंघानिया ये आज ये मेरा पहला दिन है कॉलेज में, अब मुझे ये कौन बताएगा कि ये क्या है? अरे ये तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। मैं ना कुत्ते की तरह पूरे कॉलेज का चक्कर काट के अब वक्त मिल रहा है तुम्हें आने का। अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कॉलेज में पहुंचने वाला सबसे पहले मैं ही था। सर, क्योंकि आपके पिताजी पीयून थे ना, तो आपका तो कॉलेज जल्दी आना बनता था गेट खोलने के लिए। चुप करो। म्यूजिक क्लास, बैंड, सब जगह से तो रिजेक्ट हो चुके हो। नहीं नहीं सर, मेरे गिटार में बैटरी नहीं थी, और वैसे भी जब मैं गाता हूँ सब रो देते। इतना बुरा गाते क्यों फिर? होमवर्क किया? किया था सर, कॉपी कॉलेज में बैग के अंदर कॉपी नहीं, गिटार के अंदर बैटरी नहीं, खुद के अंदर बची कुची कुछ शर्म है या वो भी बेच खाई? उठाओ उठाओ उठाओ, इधर दो। ये हराम जाते बात करो। कौन है? हाँ भाई, किधर है वो हॉटी टुन्नी वाला? ओह शिट। उसे कह रहे थे लटकने से हाइट बढ़ती है। अबे लटकने से हाइट बढ़ती तो मेरा नुन्नू जमीन पे रेंग रहा होता। होगा तुम दोनों? भाई समीर की दादी चल बसी। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ हाँ, गई मेरी दादी, उन्हीं के बगल में ही खड़ा हूँ। ये तुम्हारी दादी है? हाँ दादी, काफी हड्डी कट्टी दिख रही है। नहीं नहीं, पेट के बल लिटाया, कुबड़ी थी। क्या भाई, जल्दी आ जाओ, दादी को कंधों दे मैं। हाँ हाँ जाओ, एक काम करो, मैं भी चलता हूँ, चार कंधे हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, दादी होती उसे दूर रहती थी। अब ये बताओ, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट? ठंडा कहाँ? अरे यार, फिर से रिजेक्ट हो गया। आज तो दबा के पीऊंगा, पिला दो प्लीज। आजा आजा, मीठा पिएगा तीखा पिएगा? गोलगप्पे वाले के यही डिसाइड करेंगे ना, जल्दी आ जाओ। मैं भी गोलगप्पे का पानी आता हूँ। अबे तेरा तो अलग ही है। वगैरह दादी को टिकने लगा के आता हूँ। आइए। कोई पॉट है? क्या है पॉट? है? बहुत दिन बाद आए भाई। ये क्या किया हुआ अंकल ने? बैठता कहाँ है फिर? आए हाय, आए रोज कह रहे दीजिए, आप आइए। आए हाय अंकल जी, मत करो। टिश्यू पेपर वेस्ट होता है ना, बड़ा दिक्कत होती है। उस लेनी में कैरी। ओसीडी। ये बॉस है। बैठ।
बॉस के स्टाइल है भाई, स्वैग है। बाथरूम में ऑफिस करता हूँ जी। नहीं, बहुत साल काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मैं काम की जगह हक दिया करता था, पर यहाँ बैठे बैठे आए हाय कमाल कमाल की आइडिया, बाथरूम में अच्छा आइडिया, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों की जगह एक्सचेंज कर दी। बढ़िया, ये मैं आपके लिए लाया हूँ घर से स्पेशल बनवा के। वाह साहब, हाथ तो धो लेते सर। डिटेल्स देख रही है वहाँ साइड में ब्रश व्रश सब रखा हुआ टेबल के। सेट डिजाइन अच्छा, मतलब क्वालिटी भी कितनी अच्छी वीडियो की। बॉस के आईब्रोज देख रहे हो कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ खत्म होते पता ही नहीं चल रहा। अच्छा अब बॉस ठीक है भाई। ओह शिट बबलू जी, स्वैग प्रमोशन के बाद ना पुराना ये सब मत खाना, अंडे खाना अंडे। प्रमोशन प्रमोशन के बाद। अरे कबूतर की तरह गर्दन इधर उधर हिला रहे हो, गर्दन लचक के टूट जाएगी फिर उठा नहीं पाओगे। बबलू जी मैनेजर बना रहे हैं आपको। ओए ओए ओए। खुशी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा सर, दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रूथ। बहुत पहले लेटर लिखा था इसी दिन के लिए, मेरा जो बेटा है उसके दोस्त ने लिखने में मदद करी। ओह शिट, अगर आपकी इजाजत हो तो बर्बाद कीजिए। ओ डियर बॉस, कैन नॉट थैंक यू इनोग फॉर गिविंग मी दिस ऑपर चटनी। ऑपर चटनी, आई विल गिव माय हार्ट माय सोल एंड माय हेरी एस फॉर दिस कंपनी। माय हार्ट इज बीटिंग एज फास्ट एज आई बीट माय प्रिक during no nut november no nut november I beat my prick during no nut november big respect to your wife for marrying a ball sack like you। oh bhai gayi promotion zamane mein baatein jaise koel these bitches aren't loyal, loyal. तो ओ अंकल सीन खराब हो गया वो है तो ले जी। बहुत मजा आएगा आपको, बस हमने आपकी सैलरी कम कर दी। हैं जी क्यों हैं, सीनियर का काम ही क्या है, दीपावली में रंगोली बना लेना, दिन में एक समोसा एक कोल्ड ड्रिंक्स फ्री, जूनियर लड़कियों के सर में हाथ फेर दिया वेल डन बोल दिया। हैं ये क्या, और अंकल कैसी बाजे हैं क्या टट्टी नहीं हम कर लें। हाँ जी हाँ जी, तो जाओ फिर जी। गलत आदमी, अंडे नहीं आ पाएंगे भाई। ये कौन है, कोई जासूस लग रहा था। क्या रखा है इस दुनिया में, ये समाज तुझे कुछ नहीं देगा, ये अंगूठी तुझे घर बैठे बैठे बना देगी करोड़पति। अरे हाँ क्या दिखा रही है, सच बोल रहा हूँ। हाँ तू, इस अंगूठी से सारे सपने पूरे हो जाते हैं। अंकल का वो देखना रुपया बना हो जाती है, रुपया वाले बाबा गुप्त रूप ठीक हो जाता है। अरे सोच क्या रही है, फोन उठा डबल। अरे यहाँ वहां क्या देख रही है, बेडरूम में लगा है फोन चार्ज होने। ओह शिट, अंतर्यामी। ओह वो जो जासूस था ना ऑफिस में, वो था कोई फर्जी जिसने इन्फॉर्मेशन दी कि इसका पति, मुझे तो ऐसी लग रहा है, पता नहीं कनेक्ट नहीं हुई स्टोरी। वो आस्ता आस्ता कनेक्ट करेंगे, एक दो करेक्टर बाद में बताएंगे। शाबाश, ओ भाई शाबाश, आ गया घर, आ गया ये कैसे आ गया घर,
कुछ प्रमोशन की नहीं, प्रमोशन की जरूरत। बबलू जी बहुत मजा आएगा आपको, बस हमने आपकी सैलरी कम कर दी। सीनियर का काम ही क्या, दीपावली में रंगोली बना लेना, दिन में एक समोसा एक कोल्ड ड्रिंक्स पी। और बच्ची को जो है लड़कियों के सर में हाथ फेर दिया, वेल्डर बोल दिया, करनी है करनी है करनी है। टट्टी क्या कमाल है ना जिंदगी, मादर चोद है। एक चाहिए था। अरे साहब अपने पास जो है वही तो दूंगा ना। चाचा अपना काम कर। अरे साहब मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, आपके पास कोई काम नहीं तो मेरे बगल में आके बैठ जाओ, नहीं तो ये लॉटरी का टिकट आजमा लो। आजमा ली, फूटी किस्मत है मेरी। अरे साहब क्या चिंदी चोरी कर रहे हो आप। अच्छा सुनो ना, अरे तू मेरा दिमाग मत खराब कर यार, जाए यहाँ से। ये ले लोगे तो मेरा खाने का हो जाएगा। कितने की है? 5,000 रुपये। एक तो सैलरी वैसी आधी हो गई है, ऊपर से इसको 50। ये क्या खाएगा? पोहा। ओ साहब वो नंबर लिखा है मिला लेना, चलो। चेस की लॉटरी लगेगी लग रहा है, कुछ बढ़िया होने वाला है भाई, समझा? डायरेक्टर ने पहले ही बता दिया। 1 करोड़। कितने? 11 करोड़। 11 करोड़ फर्स्ट प्राइस। 11 करोड़। अंकल के इमोशन तो सही है, कोई भी बंदा यही करे। अच्छा इसने अंगूठी चेप बहुत महंगी है। अरे कहाँ बेटा, ज्यादा कहाँ मांग रहा हूँ। पर 1100 नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं बेटा होंगे, अंदर देखो आटे के डब्बे में जरूर मिलेंगे। अगर इतने पैसे होते तो अंगूठी की जरूरत ही क्या थी। ऊपर वाले से नहीं, कम से कम मुझसे तो डर। ये वीडियो वाले को क्यों लेके आया बाबा? वो बनाता ना, वो का बाबा उसे भरोसा ही उठ गया। ए तो फ्रंटल बना दे आगे, बाबा इन्फ्लुएंसर भी है। तो लिखिए गुप्त रोग का पहला फायदा है कि वो गुप्त है। अच्छा बता दिया। जाओ, देखो। हैं? ये उठी लो। जाओ। अरे हुआ क्या? मेरा सोफा। अरे सोफा हुआ क्या? पापा देखना कितना मिनी अच्छे रहो। शिट यार। बता दो। बताएगी नहीं मेरी तेज आंटी। ध्यान से सुनो। किसी को बताना मत। हमारी लॉटरी लगी है। ये क्या बोल रही है, कुछ ससुराल नहीं। चलो यहाँ से, चलो चलो। अरे पैसा तो दे दे, पैसा। ये 1200 रुपये ले लो। 1200 नहीं, 1400। ये 200 और ले लो। हाँ। आपके मटर छीलोगे। थैंक यू। इट वर्क्स डूड, इट वर्क्स। हमला न कर दे बर्गर वे में, हमला न कर दे बर्गर। अब मैंने देखना आंटी का रिएक्शन। अच्छा अंडे। क्या हुआ? खत्म? तेरी लगी अगर 11 करोड़ की लॉटरी तो तू क्या करेगी? आंटी को देखे तूने? उनको ब्रेड गरम करने वाला, माइक्रोवेव, फ्रिज, उनको सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तू क्विकली सोच कि तुझे 11 करोड़ मिले तो तू क्या करेगी? मुझे 11 करोड़ मिलेंगे, सबसे पहली थॉट तेरे क्या आएगी? ट्रैवल। अरे यार क्यों, तू क्या करेगा? मैं पहले तुझे नहीं बताऊंगा। तभी तेरी लगेगी नहीं। हाँ भाई बताओ। बहुत ही अमेजिंग था, मुझे तो पता ही नहीं चला कितने मिनट का था ये। 21 मिनट मुझे पता ही नहीं चला, 20 मिनट कैसे खत्म हो गए यार। और अब मुझे वेट करना पड़ेगा। अब नेटफ्लिक्स देख के ना आदत हो गई है कि जब कोई स्टोरी चलती है तो उसको थोड़ा बिंज वॉच कर लिया जाता है, और जब तक मतलब एक स्टोरी बिल्डअप नहीं होती माइंड में मजा नहीं आता। तो ये क्या है कि ये एक चुस्की थी। हाँ, और मुझे इसका सेकंड एपिसोड का बहुत ज्यादा 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 इंतजार रहेगा। आई लव द कैरेक्टर्स ऑलरेडी, सारे अपने देखे हुए कैरेक्टर्स हैं, बट अब ये लंबी स्टोरी चलनी है ना तो इसलिए वो कम कम दिखे, तो इसलिए मैं ज्यादा मिस कर रही हूँ। बाकी टेक्निकल हिसाब से बताऊँ तो एडिटिंग इज वेरी वेरी नाइस,
quality, of course, the production quality is too high for YouTube. और क्या है यार, एक वो ऑटो वाला सीन था जिसके अंदर दो साथ बैठे थे. कल मैंने अपने ब्लॉग में ना अपने आप को एक फ्रेम में डबल रोल दिखाया था, ठीक है, बट वो बहुत इजी था करने के लिए. जो ऑटो में फ्रेम हिल रहा है वो इन्होंने कैसे किया मैं अभी तक सोच रहा हूँ. बाकी वेरी नाइस. मैं तो सेट डिटेलिंग और वो सब देखता हूँ, बहुत अच्छी है, वेरी एंटरटेनिंग फॉर 20 मिनट्स. गुड टाइम पास. कांग्रेचुलेशंस टू भुवन मॉम. सो दैट्स अबाउट इट. इनकी 11 करोड़ की लॉटरी लग गई है, हमारी भी लॉटरी लगी है, क्योंकि हमारी, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज गोइंग टू बी आवर 200th वीडियो ऑन यूट्यूब. वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. आप देखिए और फैलाइए और प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट. मिलते हैं कल दोबारा वापस से. आहिस्ता आहिस्ता बेबी. रिएक्शन का दिन है.